जीनियस माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जिसमें हम जानेंगे ई बैंकिंग का अर्थ और इसके गुण दोष। मतलब आज जब ई व्यवसाय होने लगा इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से या इंटरनेट से जब आज हम बिजनेस करने लगे तो उसी तरीके से बैंक के सारे काम भी होने लगे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या फिर इंटरनेट के तरीके से, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं ई वर्ड्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो या फिर इंटरनेट बोलो। तो सिंपल सा फ्रेंड्स अगर देखे तो इससे ही हमें इसका अर्थ समझ आता है कि इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संबंधी समस्त कार्य करना क्या कहलाता है, ई बैंकिंग। ठीक है, अब बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं, मनी ट्रांसफर करना, ठीक है, हमारी ओर से वो क्या करता है, अभिकर्ता मतलब एजेंट संबंधी कार्य भी करता है, हमारे पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है, हमारे चेक का भुगतान करता है, हमारे बिजली के बिलों का भुगतान, आयकर का भुगतान आदि अनेकों काम बैंक करते हैं, है ना। तो ई बैंकिंग है फ्रेंड्स की कतार बैंकिंग से क्लिक बैंकिंग की ओर जाना ई बैंकिंग है। कतार बैंकिंग से क्लिक बैंकिंग की ओर जाना ई बैंकिंग है। मतलब कि जहां बैंकों में इतनी लाइन लगी होती थी आज सारा घर बैठे एक क्लिक से व्यक्ति के सारे काम होने लगे हैं। तो आया समझ में, बैंकिंग के सारे काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इंटरनेट के माध्यम से करना ई बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, अब हमें एग्जाम में इसको कैसे लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इंटरनेट पर बैंकों की सेवा प्रदान करने को ई बैंकिंग कहते हैं। क्या बोला इसने, इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को ई बैंकिंग कहते हैं। यह लेन देनों की लागत को कम करता है, बैंकिंग संबंधों को प्रगाढ़ करता है मतलब मजबूत बनाता है बैंक से संबंध को, और साथ ही ग्राहकों को समर्थ भी बनाता है मतलब ग्राहकों को इस काम के संबंध में क्या करता है, एक्सपर्ट भी बनाता है। ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है अर्थात बैंकिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया गया हो। अतः ई बैंकिंग बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वह सेवा है जो ग्राहकों को अपनी बचतों के प्रबंधन, खातों के निरीक्षण मतलब जांच पड़ताल, ऋण के लिए आवेदन, बिलों के भुगतान जैसे बैंक संबंधी लेन देनों को इंटरनेट पर करने की सुविधा देती है। क्या है, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग अपने ग्राहकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो सुविधाएं उनके दैनिक जीवन से या उनके व्यवसाय से, उनके कार्य से जुड़ी हुई है। ई बैंकिंग जिन विभिन्न सेवाओं को प्रदान करता है वे है स्वचालित टेलर मशीन जिसे हम बोलते हैं ATM, है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वचालित टेलर मशीन। तो ATM मशीन क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं आप सभी को मालूम है, है ना। फिर ये है विक्रय बिंदु जिसे अपन बोलते हैं POS, है ना। फिर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जिसे शॉर्ट में EDI बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल लॉकर, इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण जिसे EFT बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये POC का मतलब है, ये क्या करता है, जब अपन किसी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर अपन एक मशीन देखते हैं तो अपन को अपना कार्ड स्वैप करना होता है और अपने कार्ड से क्या होता है, पैसे कट हो जाते हैं, मतलब अपना कार्ड स्वैप किया तो अपने अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं और जितने उस व्यक्ति को चाहिए होते हैं उतने उसके खाते में चले जाते हैं जितने का भी हमारा बिल बनता है। तो ये हम सभी व्यवसायी की दुकान पर देखते हैं। फिर ये जो EDI है, ये EDI क्या है कि डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का माध्यम होता है। क्रेडिट कार्ड हम जानते हैं, हम जो शॉपिंग करते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हमारे ATM मशीन में काम आता है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल लॉकर और EFT है मनी ट्रांसफ़र करना, कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने के साधन को EFT कहा जाता है। तो ये सारे कार्य कौन करते हैं, ई बैंकिंग। आ गया समझ में, बैंकिंग के सारे काम इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होना ई बैंकिंग कहलाता है। अब हम कौन कौन से काम करते हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके गुण देखो कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है।
हर एक चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले हम ई बैंकिंग के फायदे देखते हैं, जिसमें पहला लिखा है ई बैंकिंग बैंक के ग्राहकों को 365 दिन 24 घंटे सेवाएं प्रदान करता है। बिल्कुल हमारे हाथ में जो मोबाइल है उस मोबाइल में बैंक की ऐप को इंस्टॉल करके हम बैंक संबंधी सारे काम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, वही कतार लाइन की बजाय क्लिक बैंकिंग की ओर जाना, ई बैंकिंग है। सेकंड देखो, सेकंड क्या बताया इसने अपन को, ग्राहक मोबाइल फोन के द्वारा कुछ अनुमति प्रदत्त लेन देनों को दफ्तर, घर या फिर यात्रा के दौरान कर सकता है। बिल्कुल सही, चूंकि इससे प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन हो जाता है इसलिए वित्तीय अनुशासन लाता है। प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन मतलब होता है उसका लेखा हो जाता है ना, मतलब कि पूरा हर एक बात का उसमें सबूत होता है, हर एक बात का उसमें मैसेज अपन को रिसीव होता है कि हमने क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, हमने ई बैंकिंग का किस काम में यूज़ किया है, तो उससे वित्तीय अनुशासन बना रहता है। मतलब हमारा पैसा सही जगह गया या नहीं गया, कहाँ पैसा लगा, उन सब बात की हमें जानकारी रहती है। अगला देखो, ई बैंक को एक तत्काल किस्म की सुविधा है। ई बैंक एक तत्काल किस्म की सुविधा है। माइक्रो प्रोसेसिंग चिप के माध्यम से कंप्यूटर को एक सेकंड में कई लाख परिचालन करने में सहायता मिलती है। ग्राहक घर बैठे तेजी से बैंकिंग संबंधी कार्य कर सकता है। जैसे हमारे एटीएम कार्ड में एक चिप लगी होती है, वो चिप क्या करती है, हमारे नंबर को स्कैन करती है, तब जाके तो हमारा कार्ड चलता है उस एटीएम मशीन में। तो उसी तरीके से ई बैंकिंग में भी बताया गया है। एंड लास्ट है, ई बैंकिंग में बिलों का भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, अतः चेक लिखने एवं भेजने में लगने वाले समय की बचत भी होती है। तो इतने सारे फायदे हैं। फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि ई बैंकिंग हमें साल के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे में सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये हमें बैंक में लगने वाली लंबी लाइनों से बचाता है। ठीक है, ये हमें बैंक की जो फॉर्मेलिटीज करना होती है, जैसे अपन को पैसे डिपॉजिट करना हो तो स्लिप भरना, फिर पैसे काउंट करके लिखना, तो इन सबसे क्या करती है, हमें सुविधा दिलाती है और हमारे समय को बचाती है। हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, हमारे बिजली के बिलों का भुगतान कर सकते हैं, बैंक संबंधी सारे कार्य हम क्या कर सकते हैं, हमारे फोन से करते हैं। जैसे आज हम क्या करते हैं, घर बैठे अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो तो हम कर सकते हैं ना अपने मोबाइल फोन से, पेटीएम कर लो, ऐसे अनेक स्कीम इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो इसने अपन को इतने फायदे बताए तो इसके नुकसान क्या है। देखो, बैंक से किसी भी व्यवहार की रसीद प्राप्त नहीं होती है। बिल्कुल, सिर्फ एक मैसेज रिसीव होता है और मैसेज डिलीट हो गया तो फिर अपन पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है, वो अपन कॉल करके या फिर अदर प्रोसेस से डिटेल निकाल सकते हैं, लेकिन इसने क्या बोला कि इससे हमें किसी प्रकार की रसीद प्राप्त नहीं होती। सेकंड, ई बैंकिंग में आंकड़ों के परिवर्तन की संभावना रहती है। आंकड़ों के परिवर्तन की संभावना कैसे, मतलब कि हमारी जो डिटेल है उसमें क्या होता है कि अपन को बहुत सतर्कता रखनी है ई बैंकिंग का कार्य करते समय, क्योंकि एक भी, जैसे हमको किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं और एक डिजिट भी अगर हमारा चेंज हो गया या गलत लिखा गया तो हमारा पैसा तो दूसरे के अकाउंट में चल जाएगा ना। तो इसे क्या करना पड़ता है, इसे ऑपरेट करते समय थोड़ा ये रिस्की होता है, तो अपन को केयरफुली तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए ई बैंकिंग का। वायरस के कारण कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में खराबी आ जाती है जिससे डाटा करप्ट हो जाता है। बिल्कुल, हमारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है कभी कभी क्या होता है, या तो फिर वायरस की वजह से, जैसे वायरस क्या है, बहुत से व्यक्ति जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस बनाते हैं, हम देखते हैं जैसे कोई ऐप होगी तो हमने उस ऐप को अच्छा समझ के इंस्टॉल किया, फिर बहुत सी बार क्या होता है हमारा फ़ोन हैंग होने लग जाता, तो ये ऐप के थ्रू हमारे इसमें वायरस आते हैं, है ना फ्रेंड। तो ये बोल रहा है कि वायरस के कारण कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में खराबी आ जाती है जिससे डाटा करेक्ट हो जाता है, और कभी कभी सर्वर डाउन भी चलता है। ऐसे अनेकों प्रॉब्लम आती है ई बैंकिंग में कि जब हम काम करना चाहे उस समय नेटवर्क इशू हो, है ना, तो हमारा काम ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ वो फ़ोन या हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाने की वजह से हमारा डाटा करेक्ट हो जाता है, सारा डाटा हो जाता है, तो ऐसे थोड़ा रिस्की होता है। फिर है अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा सर्वर को कमांड देना, मतलब हर एक व्यक्ति यूज़ कर सकता है। फिर है कंप्यूटर प्रणाली में प्रोग्रामिंग करते समय कोई कमी रह जाना। ग्राहकों के पिन नंबर का पता लगाकर अनाधिकृत रूप से लेन देन करना, मतलब कि आज ऐसा बोला जाता है ना कि अपना एटीएम का पिन किसी को बताना नहीं चाहिए, इसको अपन को गुप्त रखना चाहिए, तो उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि आप जो लेन देन कर रहे हो तो आपका मोबाइल फ़ोन आपको लॉक लगा के सेफ्टी से रखना होगा, वरना अगर आपकी ईमेल आईडी खुली रहेगी तो कोई भी आपको फ़ोन को हैक करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। बहुत तरीके
तरीके से रिस्की हो सकता है, तो आपको सतर्कता रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना ई बैंकिंग क्या है। क्या है ई बैंकिंग? कतार लाइन से क्लिक बैंकिंग की ओर जाना ई बैंकिंग है। मतलब बैंक के सभी कार्यों को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना ई बैंकिंग कहलाता है। फिर इसके गुण और दोष भी हमने जाने। अब इसके मीनिंग में या इसके गुण को लेकर या हानि को लेकर अगर कोई भी डाउट होता है तो डाउट को कहाँ लिखना है? कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।